नमस्कार मित्रों, पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रकाश आगे आप सबके अपने चाहते यूट्यूब चैनल इंस्टा गुरुजी में देखना। आज का आपका जो टेस्ट है, जो कि मैंने आज रखा है ऑनलाइन लाइव, जो ऑनलाइन टेस्ट आप सबका फिजिक्स का, वो अब ऐसे में देखो जो फिलहाल आप लोगों की संख्या है बहुत ही कम है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी आप कैंडिडेट हो सभी के सभी आज इस टेस्ट को ज्वाइन करें, यहाँ पर आए फटाफट से। आज एक्चुअली सुबह वाला जो टेस्ट था फिर से आज तकनीकी खामी आ गई और आज फिर से पिछले संडे की तरह उसमें डिले हो गया। और काफ़ी बड़ी आज तकनीकी खामी ये आई कि जो रिकॉर्डेड जो आपकी लाइव वीडियो थी, जिसको कि हमने रिकॉर्डेड फाइल जो हमारे पास सेव होती है उसी को मुझे अपलोड बाद में करना पड़ा। तो अब ऐसे में देखो काफ़ी ज़्यादा मैं ऑलरेडी काफ़ी निराश हूँ। और आप लोगों की जो फिलहाल लाइव की संख्या है, इसको देख के तो हमेशा चलो निराश होता हूँ, तो इसकी तो मुझे आदत पड़ रखी है। तो आज मैं लाइव जो निराश के स्क्वायर जो है वो मेरे ऊपर लग रही है, तो इस निराशा को आप मिटा भी सकते हो। मिटाने के लिए आपको फटाफट से जितने भी आपके मित्र हैं सभी को यहाँ पर लाइव लेके आ जाओ। जो टेस्ट है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके का टेस्ट है आपके लिए जो मैंने प्रिपेयर किया है। बस ये छोटी सी कमी ये हो गई आज, चूँकि सुबह से मेरा मूड पूरा ऑफ हो रखा है। जो 20 प्रश्न मैं आप लोगों के लेके आने वाला था, जिनको भी मैंने सोचा था कि आज स्क्रीन के ऊपर आपके लिए वर्ड्स जो क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन ऐसा आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आपके सामने प्रश्न को रखूँगा। उसके जो ऑप्शन है, कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो बोलने पर आपको हो सकता समझ में नहीं आए, तो उनको मैं बोर्ड पर यहाँ पर उत्कीर्ण कर दूंगा। उसके अतिरिक्त आपको जो ऑप्शन है वो सुनने और सुनकर ही आपको रिप्लाई करना है। आज के इस पेपर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स का संकलन भी मैंने किया, तो फटाफट आप जो अपना जो कॉपी पेन है उसको भी अपने पास में रखें, ताकि जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व करने में आपको आसानी हो। इसी के साथ आप अपनी कॉपी पेन इसलिए भी रखें, जैसे मैं आपको ऑप्शन बोलूंगा उन ऑप्शन को आप अपनी कॉपी के अंदर उतार भी लें, ताकि आपको उसके ऊपर एनालिसिस करने में थोड़ा ज्यादा सहूलियत की अनुभूति आपको हो। ठीक है, फटाफट से देखो शुरू करता हूँ आज के पेपर। पहला आपका प्रश्न है, अनंत पर विभव का मान होता है। चार ऑप्शन आपको देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको बताना अनंत पर विभव का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है अनंत, ऑप्शन बी है पृथ्वी का दुगुना, ऑप्शन सी है पृथ्वी का तीन गुना, ऑप्शन डी है पृथ्वी के बराबर। एक तरह से मैंने इस एक ही प्रश्न के अंदर आपसे दो दो प्रश्न पूछ लिए, आपको सोच समझ के उत्तर देना है। अनंत पर विभव का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है आपका अनंत, ऑप्शन बी है दुगुना, ऑप्शन सी है पृथ्वी का तीन गुना, ऑप्शन डी है पृथ्वी के बराबर। दूसरा आपका प्रश्न है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसी प्रकार मतलब विभव का तो मैंने बता दिया कि विभव का मात्रक तो वोल्ट होता है, इसी प्रकार विभवांतर का मात्रक जो होता है वो आपको बताना मुझे। ऑप्शन ए है मात्रकहीन, कि भाई कोई मात्रक होता ही नहीं। ऑप्शन बी है वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है वोल्ट। तो ये चार ऑप्शन आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं, इन चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है फटाफट मुझे बताएं। तीसरा आपका प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है। यानी अगर कोई आपके पास पॉइंट चार्ज हो तो उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट पर वी का मान कितना होगा, ये आपको मुझे बताना है। ऑप्शन सुनना, ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए कहता है वी बराबर, पहले ऑप्शन की बात करूं ए है v बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ऑप्शन जो b है वो आपका बोल रहा है v बराबर के क्यू बटा आर। ऑप्शन c है आपका के क्यू वन क्यू टू बटा आर, ये v बराबर ये भी ठीक है ना, एक ही बात है। d जो ऑप्शन है आपका वो है v बराबर के क्यू स्क्वायर बटा आर। तो देखो ये चार ऑप्शन आज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर जो आर दूरी पर स्थित है उस पर विभव का मान है, तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। आपके अगला जो प्रश्न है चौथा, समविभव पृष्ठ पर आवेश स्थानांतरण के लिए क्या क्या कार्य होता है। यदि कोई समविभव पृष्ठ है तो आवेश को एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाने में आपको कितना कार्य करना पड़ता है आपको बताना है। ऑप्शन सुनना, ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है 20 जूल, ऑप्शन डी है 40 जूल। इसी प्रकार आपका पांचवा प्रश्न है, द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है। ऑप्शन सुनना, v बराबर के पी बटा आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है v बराबर के पी साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है v बराबर के पी बट्टा आर, ऑप्शन नंबर डी है शून्य। ठीक है, तो देखो इसके भी आपको चार ऑप्शन मैंने बताए हैं। पिछला प्रश्न मैंने एक बार ही बोला है, ये भी प्रश्न मैं एक बार ही बोलूंगा, क्योंकि जो समय है उसकी मेरे पास अभी बहुत कमी है। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर ऑप्शन दोबारा से सुनने हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। ठीक है, प्लीज़ आपसे आज आज यही रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मेरा आज पूरा मूड ऑफ हो रखा है, खतरनाक तरीके से हो रखा है। छठा प्रश्न है आपका, किसी रैखिक आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ होता है। यानी रैखिक आवेश जो वितरण है अगर किसी किस पर होता है रैखिक आवेश वितरण, ये आप सबको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो उसके लिए जो समविभव पृष्ठ होगा वो किस प्रकार का होगा, कल वाली वीडियो के अंदर हमने इसकी बात करी थी। ऑप्शन ए है आपका गोलीय, ऑप्शन बी है घनीय, ऑप्शन सी है बेलनाकार, ऑप्शन डी है घनाभकार। ठीक है, चार ऑप्शन आपको मिले हैं।
दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, ऑप्शन ए है गोलिये, ऑप्शन बी है घनिये, ऑप्शन सी है बेलनाकार, ऑप्शन डी है घनाभकार। सातवां प्रश्न है, समविभव पृष्ठ की सतह से विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव होती है। यदि आपका कोई भी समविभव पृष्ठ है तो उसकी सतह से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किस ओर होती है आपको बतानी है। ऑप्शन ए है समांतर, ऑप्शन बी है 30 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन सी है 60 डिग्री के कोण पर, एंड ऑप्शन जो डी है वो है 90 डिग्री के कोण पर, ये आपको बताना है। आठवां प्रश्न है, यदि 10 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 100 जूल हो तो P पर विभव का मान आपको बताना है। एक न्यूमेरिकल आ गया आपके लिए, बहुत आसान से, कॉपी के अंदर पेन चलाते हाथों हाथ उतर जाए, पेन की जरूरत नहीं है। दोबारा देखो प्रश्न बोल देता हूँ, यदि कोई 10 कूलम का आवेश है तो आपको क्यू की वैल्यू दे दी कितनी है 10 कूलम को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में किया गया जो कार्य है यानी W है, इसका मान भी आपको दे दिया कितना है 100 जूल है, ये जे है भाई 100 जूल है, तो P पर विभव का मान आपको बताना है। ऑप्शन सुनना, ए नंबर ऑप्शन है आपका 1000 वोल्ट, ऑप्शन बी है आपका 0.01 वोल्ट, ऑप्शन सी है आपका 10 वोल्ट, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है 100 वोल्ट। तो देखो बड़े ध्यान से सोच समझ के प्रश्न का उत्तर देना है, वीडियो पे एक बार चाहो तो आप पॉज करके इसको फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। अगला का प्रश्न है, यदि बिंदु ए पर विभव 5 वोल्ट तथा बी पर 15 वोल्ट हो तो ए से बी तक किसी 4 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा, आपको कार्य का मान बताना है। प्रश्न को सुनना, यदि बिंदु ए पर विभव यानी ए पर जो विभव है उसका मान आपको दे दिया कितना है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट ए पर विभव है, और बिंदु बी पर जो विभव का मान है वो आपको कितना दे दिया 15 वोल्ट है, और इसके बाद ये बोल रहा है तो ए से बी तक 4 कूलम आवेश को यानी इस बिंदु ए से बी तक 4 कूलम आवेश को आपको प्रवाहित करना है, यानी क्यू की वैल्यू भी आपको कितनी दे दी 4 कूलम दे दी, तो इसमें कितना कार्य आपको करना पड़ेगा यानी आपको जो डब्ल्यू है इसका मान निकालना है। फटाफट से कर दो, वीडियो पॉज कर लेना, बहुत आसान से इसको कॉपी के अंदर कैलकुलेट करते हैं आपको जो उत्तर है वो आ जाएगा। ऑप्शन देखो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ऑप्शन इसका ए है 2.5 जूल यानी 2.5 जूल, ऑप्शन जो बी है वो है आपका 40 जूल, फटाफट से बताना, ऑप्शन सी जो है वो है आपका 0.25 जूल, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है 25 जूल। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिए, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा वो आपको फटाफट बताना है। इसके बाद चलते हैं, देखो 10वां आपका प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ होगा, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन सुनना, ऑप्शन ए है बेलनाकार, ऑप्शन बी है वृत्ताकार, ऑप्शन सी है गोलाकार, ऑप्शन डी है अंडाकार। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 11वां प्रश्न है, गलत को पहचानना, आपको 4 यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से जो गलत होगा वो आपको बताना है। गलत को बताना है, देखो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है, होता कि नहीं होता मुझे नहीं पता, आपको बताना। ऑप्शन बी है समविभव पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य शून्य होता है, ये सही है कि नहीं आपको बताना है। सी जो ऑप्शन है समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, बताना सही है कि नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो कहता है बिंदु क्षेत्र सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 आपको ऑप्शन दिए, इनमें से जो गलत है वो मुझे बताना है। दोबारा आप पीछे रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो, सुन सकते हो इन ऑप्शन को। बाद में देखो 12वें प्रश्न में चलते हैं, ग्राफ से आपको मैंने प्रश्न दे दिया, निम्न में से कौन सा ग्राफ विभव तथा दूरी के मध्य संबंध को बताता है। तो अगर आपको विभव का फॉर्मूला याद है, विभव और दूरी के बीच का संबंध यदि पता है आपको, तो बहुत आसानी से आप इस ग्राफ को पहचान सकते हो। ऑप्शन देखो ए सुनना, ऑप्शन आपका ए है, ग्राफ ए है चूंकि, तो ग्राफ में बना रहा, इधर आर को मैंने लिया और इधर मैंने वी को लिया है, ग्राफ है कुछ इस प्रकार का, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर देखो जो बी है उसके अंदर भी मैंने आर को इस तरफ ले रखा है, वी जो है उसको इस तरफ ले रखा है, और जो ग्राफ है वो है कुछ इस प्रकार का ऐसे। ऑप्शन नंबर देखो जो सी है आपका, ऑप्शन सी सुनना, ग्राफ है कुछ इस प्रकार का, इस साइड मैंने आर को लिया है, इस साइड मैंने वी को लिया है, और इस ग्राफ के अंदर जो है ये रेखा इस प्रकार से जा रही है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो देखना, वो मैंने लिया है कुछ इस प्रकार से, आर इसी तरफ है, वी आपका वो इसी तरफ है, और जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो 4 ऑप्शन आपको दिए, इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो वी और आर के बीच में यानी विभव और दूरी के मध्य संबंध को बताता है, 4 में से आपको सेलेक्ट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प ई व वी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य संबंध को बताने वाला एक पद होगा, कौन सा ऑप्शन है वो आपको मुझे बताना है। आपको 4 विकल्प मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, इसके लिए देखो मैं बाकी चीज़ों को साफ कर देता हूँ ताकि हमारे लिए जो बोर्ड है उस पर स्पेस जो है वो बन जाए। ठीक है,
अगर किसी ने पिछले वाले ऑप्शन देखने हैं तो वीडियो को रिमाइंड कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो है वी बराबर समाकलन की लिमिट आपको देते हैं अनंत से लेकर बिंदु बी तक ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो है कुछ इस प्रकार से वी बराबर के क्यू बटा आर। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो है कुछ इस प्रकार से वी बराबर आपके समाकलन की लिमिट है अनंत से लेकर बिंदु पी तक ई वैक्टर डॉट डी वी वैक्टर। ये देखो वी है वो आर था। और आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है वी बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो देखो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा पद है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य संबंध को बताता है। ठीक है, बहुत आसान से आराम से आप उत्तर दे सकते हो। चौथा आपका प्रश्न है बहुत आसान सा प्रश्न है, एक मैंने मात्रक से उठा के आपको प्रश्न दे दिया, पूछ लिया जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, जूल पर कूलाम किसकी यूनिट है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है विद्युत क्षेत्र की, ऑप्शन बी है विद्युत धारा की, ऑप्शन जो सी है वो है विभवांतर की, और ऑप्शन डी जो है वो कहता है ए और बी दोनों की। चार ऑप्शन है आपके सामने, प्रश्न आपको ये बोल रहा है जूल प्रति कूलाम किसकी यूनिट है या किसका मात्रक है। तो आपके जो ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ऑप्शन बी है विद्युत धारा का मात्रक है, ऑप्शन सी है विभवांतर का मात्रक है, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों जो ऑप्शन थे वो सही है। ठीक है, आपको बताना है। लास्ट आपको प्रश्न देखो आज का 15 प्रश्न होंगे आपके आज, धनावेश का स्थानांतरण होता है, आपको बताना धनावेश का स्थानांतरण किधर से किधर की ओर होता है। ऑप्शन सुनना, ऑप्शन ए है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ऑप्शन बी है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऑप्शन सी है होता ही नहीं, ऑप्शन डी है कुछ कह नहीं सकते। तो मित्रों ये तो थे आज के आपके प्रश्न, 15 प्रश्न का आपकी जो शब्दावली है। कम प्रश्न आने का कारण आप सभी को बता दें, मेरा मूड आज खतरनाक तरीके से ऑफ हो रखा है और रात में कुछ बिना कुछ ज़्यादा आपसे बातचीत की इस वीडियो को देखो यहीं समाप्त करता हूँ। आपका जो रिजल्ट है वो उम्मीद करता हूँ कि आज शाम को 7 बजे यदि सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक रहता है तो 7 बजे आपको जो आपका रिजल्ट है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी, फटाफट आप जो उन्होंने टेलीग्राम ऐप पर हमें ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि यदि आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से कोई आते हो तो हमें आपसे संवाद करना पड़ेगा, आपको सम्मानित करने के लिए आपके नाम पता हमें पूछना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और नीचे जो आपको एक लिंक दे दूंगा t.me/instagurujiofficial उसको आप ज्वाइन करें ताकि हम आपसे वहां पर संवाद कर सकें। ठीक है, लेता हूं अलविदा, धन्यवाद।